मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खालसा स्कूल में गुरु सिंह सभा रायपुर द्वारा आयोजित गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि गुरु नानक देव देश के महान संत थे। उन्होंने सबको जीवन जीने की कला सिखाई। जब गुरु नानक छोटे थे तब उनके पिता ने खरा सौदा करने के लिए उन्हें 20 रुपया दिया। गुरु नानक बाजार गए और उन्होंने भूखों को भोजन व पानी पिलाया। तब से सिख समाज लंगर का आयोजन करता आ रहा है। गुरु नानक देव की देन है कि आज सिख समाज को जिंदा दिली के नाम से जाना जाता है। समानता और शांति और भाईचारा का संदेश देने वाले महान संत गुरु नानक देव जी के आज 550वीं जयंती के अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। देश में एकता भाईचारा बना के रखना है तो गुरु नानक देव के संदेशों को हमको जीवन में उतारना होगा। मैं इस अवसर पर पुनः सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। रविशंकर शर्मा, glyphs.in। For more information, log on to www.glyphs.in।